हेलो फ्रेंड्स, श्री गणेश किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज रैप शीट। इस शीट से हम कई तरह की रेसिपी बना सकते हैं, जैसे रोल्स, रैप्स, फ्रेंकी, समोसे, टाकोस, ऐसी सारी चीज़ें। सुन के मुँह में पानी आ गया ना, लेकिन ये सारी चीज़ें बनाने की सोचो तो लगता है बहुत लंबा काम है, लेकिन अब आपको कोई घंटों की मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। झटपट मिनटों में ढेर सारे शीट्स बनाएंगे, बिना आटा गूंथे, बिना बेले, बिना रोटी बनाए और बिना यीस्ट और बिना घंटों लगाए। आप इसको किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं और जिपलॉक बैग में रखकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, और जब मन चाहे इससे अपनी मनपसंद की रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं इस रेसिपी को देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक बोल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा, 1 छोटी चम्मच नमक। उसके बाद हमने यहाँ लिया है 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इसे डालने से इसका कलर, टेक्सचर और एक अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। सभी को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। और अब उसी कप से हम लेंगे 2 कप पानी, यानी 2 कप मैदा है तो 2 कप पानी ले लेंगे। अभी 1 कप लिया है और विस्कर से धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। जैसे कि मैंने मैदा लिया है, आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको मार्केट जैसा टेक्सचर चाहिए तो इसे आप मैदा से ही बनाएं। और ये 2 कप पानी भी ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। एकदम लम्स फ्री बैटर तैयार करना है, तभी वो मार्केट वाला टेक्सचर आएगा, इसलिए इसे बिल्कुल बढ़िया से फेंट लेंगे। एकदम स्मूथ घोल को तैयार करना है। और ये देखिए, ये घोल तैयार है, एकदम बढ़िया से, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो इस तरह का लिक्विड डो शीट्स बनाने के लिए तैयार है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं रैप्स। अब गैस पर रखेंगे एक नॉनस्टिक तवा या पैन, फ्लेम को लो रखेंगे और हल्का सा गर्म कर लेंगे। और अब 1 करछी भर के बैटर डालेंगे और इसे हल्के हाथों से डोसे की तरह पतला फैलाएंगे, जिस साइज का आपको चाहिए बिल्कुल उसी हिसाब का। कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि जो ऊपर की सतह है वो ड्राई होने लगी है, और ये पूरा ड्राई हो गया है। बस अब इसको पलट देंगे। ये देखिए, अब दूसरी साइड से भी इसको सेक लेंगे लगभग 15 सेकंड्स के लिए। और ये देखिए, दोनों तरफ से सीख कर तैयार है, इसे निकाल लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 प्लेट के ऊपर किचन टॉवल रख दिया है, और इस टॉवल पर रखकर उसी टॉवल से ढककर रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे। बिल्कुल इसी तरह बना बनाकर आपको रखते जाना है, इससे ये बिल्कुल मुलायम रहते हैं। तो चलिए दूसरा बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आप देख सकते हैं आ गया है। तो जितने चाहे आप फटाफट से ढेर सारे मिनटों में ये शीट्स तैयार कर सकते हैं। और दोनों साइड से इसको उलटते पलटते सेक लेंगे और निकाल लेंगे। और आप इसे हल्का ऑयल का ब्रश लगाकर भी सेक सकते हैं, इस तरह से जैसे हम डोसे बनाते हैं उसी पर ऑयल या घी लगाते हैं। तो जैसी आपकी मर्जी, उस तरह से बनाइए या इस तरह से। इस रैप से तरह तरह की रेसिपी बनाइए। तो ये लीजिए, तैयार है हमारे झटपट बनने वाले रोल रैप्स। कितने सॉफ्ट, कितने मुलायम, एकदम परफेक्ट। और ये देखिए, बना है ना एकदम सॉफ्ट स्मूथ एकदम। और इस तरह से बनाकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो आज मैंने आपके साथ नई टेक्निक शेयर की है इसे बनाने की। देख सकते हैं आप कितने पतले और अच्छे शीट्स बनकर तैयार हुए हैं। 2 कप मैदा से हमने ढेरों सारे तैयार किए हैं शीट्स। इस नई टेक्निक से हमारा काम एकदम आसान हो जाता है इसे बनाने का। मिनटों में मार्केट से भी अच्छी शीट्स तैयार हुए हैं, जो कि बिल्कुल नॉनस्टिक है, बिल्कुल भी नहीं चिपकते एक दूसरे में। उम्मीद करती हूं कि ये रोल शीट्स बनाने का बिल्कुल नया तरीका आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। आप भी इसे ट्राई कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करना ना भूले। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और घंटी के निशान को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।